हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में सीखेंगे संज्ञा जो कि पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। प्रश्न है, उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जो आपका काम है, ये मोदी केयर फाउंडेशन की तरफ से मिली वर्कबुक के पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। आइए बच्चों, करते हैं संज्ञा शब्द खाली स्थान में भरना। देखिए, यहाँ पर बॉक्स है, कोयल, साड़ी, फल, दिल्ली, पक्षी, मछली, मोर और मिठाई। यहाँ पर कुछ खाली स्थान है, हमने क्या करना है, इसी बॉक्स के शब्दों को चुनना है और इन खाली स्थानों में भरना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है पेड़ पर, फिर खाली स्थान है चहचहा रहे हैं। तो बच्चों, देखना है कि पेड़ पर कौन चहचहा रहे हैं, कोयल, साड़ी, फल, दिल्ली या पक्षी। तो क्या है सही? पक्षी। तो यहाँ पर आ जाएगा पक्षी, पक्षी, पक्षी। तो पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। दूसरा है, खाली जगह है के पंख सुंदर होते हैं। तो यहाँ देखिए, कोयल, साड़ी, फल, दिल्ली, मछली या मोर। मोर, यहाँ पर क्या आएगा? मोर, क्या आएगा? मोर, मोर के पंख सुंदर होते हैं। उसके बाद है, मुझे खाली जगह है अच्छी लगती है, कोयल, साड़ी, फल, दिल्ली, मछली, मोर, मिठाई। मोर तो हमने यहाँ पर खाली स्थान में लिख दिया, तो आएगा मिठाई, क्या आएगा? मिठाई। मुझे, फिर यहाँ लिखेंगे मिठाई, क्या लिखेंगे? मी ठा ई मिठाई, अच्छी लगती है। आइए एक बार पढ़ें, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो देखा बच्चों, किस तरह से मैंने संज्ञा शब्दों को इन खाली स्थानों में भरा। बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।